फ्रेंड्स, मैं नामिका स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल हैप्पी लाइफ विद नामिका में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ किचन की कुछ ऐसी अमेजिंग टिप्स जिनसे आपको आपकी डेली लाइफ में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप लोग भी अपने घरों में खाना गर्म करने के लिए माइक्रोवेव का यूज़ करते हैं तो जब भी हम कुकर, कढ़ाई, किसी भी बर्तन को खाली करते हैं, दाल सब्जी निकालते हैं, तो हमेशा उन्हें ग्लास के कंटेनर में या बोल में निकालें, जिससे जब हमें खाना गर्म करना हो तो हम इसको एज इट इज़ ऐसे ही गर्म कर सकें। हमें बार बार बर्तनों को खाली ना करना पड़े, जिससे हमारे ज़्यादा बर्तन गंदे भी नहीं होंगे और हमारा काम भी बहुत ईजिली हो जाएगा। जब भी हम कुकर में दाल बनाते हैं तो सीटी आने पे दाल भी कुकर से बाहर निकलने लगती है और पूरा कुकर गंदा हो जाता है, जिसमें हल्दी के दाग लग जाते हैं जो कि क्लीन करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। जब भी आप दाल बनाएं उसमें थोड़ा सा ऑयल या घी डाल दें और थोड़ा सा ऑयल कुकर के जो लिड है उसमें सीटी वाली एरिया में लगा दें, तो उससे सीटी आते टाइम हमारे कुकर से दाल बाहर नहीं आएगी। तो ये देखिए लिड एकदम क्लीन है। जब भी हमारे घर में हरी सब्जियां आती हैं और उन्हें हम तुरंत नहीं बना पाते हैं तो वो तुरंत ही एक दो दिन में ख़राब होने लगती हैं। जैसे धनिया पत्ता हमें डेली ही सब्जी में यूज़ होता है, दो दिन ही अगर हम इसे स्टोर करते हैं तो ये ख़राब होने लगता है। तो इसके लिए आप इन हरी पत्तेदार सब्जियों को न्यूज़पेपर में या टिश्यू पेपर में अगर रैप करके फ्रिज में स्टोर करेंगे तो सब्जियाँ ख़राब नहीं होंगी और फ्रेश रहेंगी। लहसुन लेकर आते हैं तो उसको छीलने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो अब इस इजी टिप से आप ढेर सारे लहसुन को मिनटों में छील सकते हैं। तो आप लहसुन में गर्म पानी डाल दीजिए और गर्म पानी डाल के इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख दीजिए। उसके बाद आप देखिए सारे लहसुन में से छिलके अपने आप ही निकल जाएंगे। तो बस हाथों से इनको थोड़ा सा आपको रगड़ना है और रगड़ते जाइए और देखिए छिलके अपने आप ही निकलते जाएंगे। तो देखिए जरा सी रगड़ने पर ही सारे लहसुन में से छिलके अपने आप ही ऐसे निकलते जा रहे हैं। तो अगर आपके भी रात के चावल बच जाते हैं तो अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप उसमें इसको गर्म कर सकते हैं, और अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप गैस पर भी इन्हें गर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक भगोनी में पानी गर्म किया है। पानी जब अच्छे से खौल जाए तब इसमें हम इन चावलों को डालेंगे। फिर बस इनको हम थोड़ा सा इसमें पानी में चलाएँगे जिससे ये अच्छे से गर्म हो जाए। इनको हमें पकाना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पके हुए हैं। अगर हम इन्हें ज़्यादा पकाएंगे तो हमारे चावल बहुत ज़्यादा गल जाएंगे। तो बस हमें इन्हें थोड़ा सा चलाने के बाद गैस हम बंद करके इन्हें हम छान लेंगे। इससे हमारे चावल एकदम खिले खिले हो जाएंगे और आप इन्हें गर्मा गर्म खा सकते हैं। अगर ज़्यादा टाइम तक स्टोर करने की वजह से आपकी दालें भी ख़राब हो जाती हैं और उनमें कीड़े लगने लगते हैं तो आप इन्हें हल्का सा ड्राई रोस्ट करके स्टोर करेंगे तो काफ़ी लंबे टाइम तक आपकी दाल ख़राब नहीं होगी और दाल का टेस्ट भी अच्छा लगेगा। इसी तरीके से हमारी सूजी में भी बहुत जल्दी कीड़े लगने लगते हैं, तो इसको भी स्टोर करने के लिए हम इसको ड्राई रोस्ट कर सकते हैं और कंटेनर में भरकर आप इसको ऐसे ही स्टोर कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सूजी को बिना ड्राई रोस्ट किए सीधे ही फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रिज में भी रखने से सूजी में कीड़े नहीं पड़ते हैं और आप इसको लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। हर किसी के घर में आटा थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आता है और जब कभी हमें कहीं बाहर वेकेशंस पे कुछ दिनों के लिए जाना होता है तो जब हम वापस आते हैं तो हमारे आटे में कुछ कीड़े से लग जाते हैं। तो इसके लिए आप आटे में खड़ी लाल मिर्च डालकर उसको स्टोर करिए, उससे आपका आटा ख़राब नहीं होगा और उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। हम बेसन को कितने भी अच्छी तरीके से रखें पर हमारा बेसन बहुत ही जल्दी ख़राब होने लगता है, उसमें कीड़े पड़ने लगते हैं। तो अगर हम कंटेनर में एक बड़ी इलायची डाल दें तो इससे हमारा बेसन ख़राब नहीं होगा, इसकी तेज स्मेल की वजह से इसमें कीड़े भी नहीं लगेंगे। मोस्टली घरों में लेमन का यूज़ डेली होता है और ये बहुत जल्दी ख़राब भी होते हैं,
तो लेमन्स बहुत जल्दी ख़राब ना हो, इसके लिए हम इनको न्यूज़पेपर में रैप करके अगर हम इनको फ्रिज में स्टोर करेंगे तो इससे हमारे लेमन काफ़ी टाइम तक फ्रेश रहेंगे और हम इन्हें काफ़ी दिनों तक यूज़ भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरे टिप्स यूज़फुल लगे हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।